किस्मत में रोना क्यों लिखा। आप सभी बात हो सकती है। मीर हादी मीर शाह से किसी भी वक्त बात कर सकता है। मैं सिर्फ ये बताने आया था कि आज के बाद इस गन और गन वाले गार्ड्स को साथ नहीं लेके जाऊंगा। मीर हादी मीर शाह के बेटे हो, बिना सिक्योरिटी कैसे बाहर निकल सकते हो? मेरे ख्याल से बगैर बंदूक के घूमने में मीशा की इज्जत और बहादुरी में इजाफा होगा। बिना बंदूक के हिम्मत वाले लोग घूमते हैं। मीरा दी, ये तुम्हारे जुमले नहीं है। किसने दिए हैं ये जुमले? किसी के नहीं, मैं किसी के कहने पे नहीं चलता। देखो, अगर कुछ बक कर रहा है तो टॉक टू मी। ये तुम्हारे अंदर इस तरह अचानक से तब्दीली डाइजेस्ट नहीं हो रही मुझसे। आई थिंक बाबा जो बक कह रहा था, नो, दैट्स ओवर, दैट्स ओवर। थैंक यू। मौत तो सबको आनी है मीर हादी, और अगर मेरी मौत ऐसी लिखी तो मैं क्यों डरूं? खुदा की यही मर्जी होगी, और जो खुदा मेरे लिए चाहता है उस बात में डरूं क्यों? बंदूक की नोक पर जीना कोई बहादुरी नहीं होती। किसी दिन बंदूक घर पर छोड़कर घर से निकलने की कोशिश करना, कोशिश तो की, तुम्हें ये सोच भी डरा देगी। दो दो जॉब्स कैसे करोगे? मामा हॉस्पिटल में 5 दिन जाना है सुबह से शाम तक, और रेस्टोरेंट में सिर्फ 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे और संडे नाइट। किसी ऑफिस में जॉब कर लेते। मामा आपने भी तो ट्राई किया ना, सबने यही कहा कि बिना डिग्री के पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्यों बार बार डिस्कस करके टेंशन ले रही हैं आप? साथ साथ में ट्राई करती रहूंगी दूसरी जगहों पर भी, हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरे और बाबा के पैसों से घर चल जाएगा, और ऑफिस से जो पैसे मिलेंगे उससे सना और सारा की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। जाना कब है?
कल से। मैडम अस्पताल से भी तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी ना, काम तो चल रहा था। आप क्यों बार बार ये बात करके परेशान हो रही हैं? और आप ही तो कहती हैं आजकल के जमाने में जितना है उतना कम है। वैसे 6 बच्चे ट्यूशन के लिए मुझे भी मिल गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा आप प्लीज खाना ले आए, बहुत भूख लग रही है। ला रे। क्या बदतमीजी है रोज रोज? आज बिना बंदूक के निकला हूं, यही कहा था ना तुमने? आज डर लग रहा है। क्यों डराना चाहते हो मुझे? जवाब देना चाहता हूं। मेरा नाम मीर हादी है, बिना बंदूक और गार्ड्स के घूम सकता हूं। जो मर्द औरतों को डराकर खुशी महसूस करते हैं ना, मुझे मर्द ही नहीं लगते। अब तुम ही बताओ मेरा आदमी, एक नामवर से मैं क्यों डरूं? भाई का फोन आया था? जी सुबह आया था, आप सो रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वही पुरानी रट, इधर आ जाओ इधर रह लो। कौन समझाए कि बच्चियां सेट नहीं होंगी वहां पे? जानता हूं मैं, तभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। सुनिए हम कुछ कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने घर का मान बच्चियों के लिए तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये जानता हूं मैं। ठीक कह रहे हैं, एक औरत के लिए उसके घर का मान एक बहुत बड़ी बात होती है। सॉरी, आपको तकलीफ तो नहीं हुई ना ज्यादा? इस बेजान हाथ में क्या तकलीफ होगी सोनिया, अब तो दर्द का एहसास भी नहीं होता। सोनिया प्लीज रोना मत। जो तुम कर रही हो खानी, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे सामने क्यों रुक जाता हूं, क्यों तुम्हें कुछ नहीं कहता, ये नहीं जानता मैं। बस डरो उस दिन से जिस दिन मेरा दिमाग तुम पे घूम गया, जिस दिन मैं तुम्हारे लिए मीरा हादी बन गया। Thank you.
यहाँ क्या कर रही हो दोनों? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। याद है खानी, जब सारिम भाई हुआ करते थे तो हम रात को यहीं पे बैठ के बातें किया करते थे, और फिर मामा आ जाती थी डांटने के लिए। हाँ वो रात में भूख लगना और किचन में जाके खाना खाना। हाँ और वो ड्यूटी भी हमेशा मेरी ही होती थी, लेकिन खानी आज सारे भाई यहाँ नहीं है, हम सबको यहाँ अकेला छोड़ के चले गए वो। खानी ऐसा नहीं लगता कि जैसे सारिम भाई यही कहीं है हम सबके साथ? यहाँ हो दोनों मेरे पास, सारिम यही है हमारे साथ है, हमारे दिलों में हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। नहीं खानी, सारिम भाई हम सबसे बहुत दूर चले गए, इतना दूर जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। अली तू कब आया? बस अभी कुछ देर पहले। वैसे क्या सोच के इतना मुस्कुराया जा रहा है? क्यों मैं मुस्कुरा नहीं सकता? यार हम बचपन से साथ हैं ऑलमोस्ट, आज तक इतना तो क्या, जरा सा मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा तुम्हें। I think we need to talk, bro. सब ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक है। तो हेलिया मत बुझाओ यार, साफ साफ बताओ चक्कर क्या है? गन अंकल को वापस कर दिया, यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हो, what's all this यार? यार अली वो मुझसे डरती नहीं है। कौन वो? मैं मीर हादी, बचपन से लेके आज तक मेरा रोब रहा है। मैं जब कुछ चाह वो हुआ और जब कुछ नहीं चाह तो कभी नहीं हुआ। सारे लड़के लड़कियां आज भी मेरी गन पावर और मेरे मीर होने से डरते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत एंजॉय करता हूं उनका डरना। लेकिन वो नहीं डरी यार। और उसकी ये मजाल मुझे चुप रही थी, सोच रहा हूं उसको तकलीफ देता, लेकिन नहीं अली, जो मेरे दिल में थी उसके प्यार की। Ali, I think, no. I don't think I'm sure I'm in love.
ओके वेरी नाइस, लेकिन वो है कौन? सनम खान। खानी पागल हो गया है हादी। अरे मैं अपने कानों से खुद सुन के आ रही हूं, इट इज अटरली इम्पॉसिबल। मीर हादी को उस लड़की से प्यार हो गया है। सुना आपने, उस लड़की से प्यार? आप अपने लाडले को अच्छी तरह से जानते हैं, किस कदर जिद्दी है वो, कभी सुनेगा किसी की? हर बार अपनी बात मनवा के रहता है। कैसे संभालेंगे ये बात, हम कैसे होने दे सकते हैं? लेकिन इस दफा हम उसकी जिद नहीं मान सकते। एग्जैक्टली कंट्रोल कैसे करेंगे उसे, हादी मानेगा कैसे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे मानना पड़ेगा। आप घबराए नहीं, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स? मेरा बीपी गिरे चले जा रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही है मुझे, देखिए कैसे बर्फ की तरह ठंडी हो गई हूं। आपने बुलाया बड़े मीर साहब? मीर हादी की हर चीज पे नजर रखो, वो कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। जी ठीक। सुनो, इस बात का उसे पता नहीं चलना चाहिए। अगर हादी नहीं माना तो फिर उस लड़की का कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सोचना ये पड़ेगा कि तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दें, इतने गंदे मार्क्स आए हैं तुम्हारे। क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को कहानी? अच्छा है बाबा, इसको डांट ही पड़नी चाहिए। अरे रो क्यों रही हो? तो बुरे आने ही थे ना, किसी ने भी नहीं पढ़ाया। सारे भाई होते तो वो ही पढ़ाते थे। सना, अगर सारे भाई नहीं है तो क्या हुआ? अगर तुम अच्छे नंबर लाओगी तो वो भी तो बहुत खुश होंगे। अच्छा चलो, रोते नहीं, इधर आओ, इधर आके बैठो, उठो, शाबाश। बुरी बात, ऐसे नहीं रोते, और भाई यही है, हम सबके दरमियान है वो, उसके जाने को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसको अच्छा नहीं लगेगा। और ये आप दोनों, जब भी सारिम का नाम आता है क्यों रोना शुरू कर देते हैं? वो आप दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकता था ना, तो फिर यूं रोता देखकर उसको अच्छा लगता होगा क्या? बाबा प्लीज।
चले अब हंस के दिखाया मुझे। तुम भी हंस दो। जब बेघुड़ सवार घोड़े से गिरता है तो उसका मतलब जानते हो? ना, ना जानता हूं और ना जानना चाहता। ना जानना बेवकूफी है और जान के भी वही करना पागलपन है। तो मुझे पागलपन करना पसंद है। बार बार गिरना चाहते हो? मैं बार बार गिर के उठना चाहता हूं। और अगर किसी वक्त ना उठ सके तो? तब भी मैं उसको अपनी हार नहीं मानूंगा। हादी, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या घुड़सवारी करना गलत है? मैं जो कह रहा हूं तुम अच्छी तरह से समझते हो? नहीं, मैं एक्चुअली नहीं समझ रहा हूं। मुझे बताएं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये जो प्यार व्यार का चक्कर है ये क्या है? तो आपको भी पता चल गया। नाइस, आई गेट। मजाक है तुम्हारे लिए? हर किस नहीं, और आप भी इसे मजाक ना समझिएगा। Excuse me. Yes, sir. तुम नहीं, उसे बुलाओ। Okay, sir. मैडम, ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा। जी बोलिए। आप मेरी तरफ देखेंगी तो कुछ कहूंगा। Thank you.
प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या मतलब? सारे मतलब आज ही समझा दूं? मुझे कोई मतलब समझना भी नहीं है। ऑर्डर करो। कितनी प्यारी लगती हो ऐसे ऑर्डर लेते हुए। जाओ, नहीं देना ऑर्डर। तुमसे ऑर्डर लेने का वक्त आ गया खानी। प्यार करता हूं तुमसे, पसंद हो तुम मुझे। सीन कैसे हो सकता है खानी? मैं क्या से क्या हो गया तुम्हारी मोहब्बत में तुम जानती नहीं हो, लेकिन बस अब तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। मोहब्बत देखना चाहता हूं। से मान लोगी तो ठीक है ना, आदि तुम्हें अपने तरीकों से मना लेगा, मानना तो पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रुक। रेस्टोरेंट में काम करती हो और सारा सारा दिन भूखी रहती हो। देखो खानी, मुझे तुम्हें खाना देने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुझे ये है कि तुम सारा दिन भूखी रहती हो। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तुम्हें। चलो बताओ, खाना निकालो और मुझे बताओ कि क्या बात है। कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। खाने कुछ तो है बेटा, बताओ क्या बात है। बस घर की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। सारा और सना की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, बाबा का इलाज हो जाए और आप खुश रहें। ना कुछ तो कर रही हो तुम तो फिर सोच के क्या करना, क्या फायदा? जो कर रही हूं उससे ज्यादा करना चाहती हूँ। बस मुझे यही फिक्र लगी रहती है कि कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हानी बेटा कुछ हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। देखो बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मामा तुम्हारी दोस्त भी है, तुम मुझसे हर बात कर सकते हो, अच्छी हो या बुरे। कभी मत छुपाना, डरना भी नहीं। एक शख्स है ना इस दुनिया में जिससे तुम हर बात कर सकते हो। जानती हूँ, कुछ नहीं छुपा रही आपसे। सच्ची? यस। चलो खाना खाओ, सारे दिन की भूखी। चलो शाबाश।
अंकल मुझे नहीं लगता ये काम हो सकेगा। अली बेटा तुम दोस्तों उसके कुछ तो करो उसके लिए बेटा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जवान खून हो, कोई उसका ध्यान किसी और तरफ लगा दो बेटा, किसी और से दोस्ती करवा दो, कोई और लड़की ढूंढ दो उसकी जिंदगी में। अंकल हादी को आप भी जानते हो और मैं भी, ये काम बहुत मुश्किल है। औरत क्या है, एक चीज तो है, एक आती है दूसरी चली जाती है, तुम कोशिश तो करो। हादी की जिंदगी में खानी चीज नहीं है अंकल, वो उसकी जिद बन गई है और हादी अपनी जिद का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ता, ये आप भी जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा बट नो प्रॉमिसेस अंकल। ठीक है बेटा, ट्राई इट। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? बहुत अच्छी। आपकी हो गई वो वीडियो कॉल? हाँ हो गई, हो गई। हाँ सुबह सुबह लोग बहुत तंग करते हैं, आपको तो पता ही है। क्या करें? गुड मॉर्निंग बेटा। By the way, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मेरा मसला मैं खुद संभाल लूंगा, बना लूंगा उसको। हादी, ये बात करने का कौन सा तरीका है? प्रॉब्लम किस बात से? बात से या तरीके से? हादी, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? Come on, Dad. Easy. Calm down. क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रहे हैं? Relax. गुस्सा नहीं कर रहा, वार्न कर रहा हूं तुम्हें।